सकते हैं यही है विष्णु मंदिर और इसके अंदर जाके आपको दिखाएंगे, देखते हैं। अंदर में तो वीडियो बनाना मना नहीं है तो सुने हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं विष्णु मंदिर से, जो कि गया में है एंड अभी गया में है, देख सकते हैं, एंड विष्णु मंदिर के अंदर है। तो चलिए आपको आज वहीं पे घुमाएंगे, आज का ब्लॉगिंग पूरा विष्णु मंदिर से ऊपर होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, यही है रास्ता, एंड पूजा के लिए प्रसाद ले चुके हैं एंड चलते हैं सीधा अंदर, यहीं से रास्ता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी गाइस चेकिंग का मशीन लगा हुआ था, हमको लगा ब्लॉगिंग करने नहीं देगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग का लगा हुआ मशीन, बट यहाँ पे कैमरा यूज करने के लिए मिल रहा है। और देख सकते हैं यही है विष्णु मंदिर और इसके अंदर जाके आपको दिखाएंगे, देखते हैं। अंदर में तो वीडियो बनाना मना नहीं है तो सुने हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर मना नहीं दिया तो आप लोगों को दिखा भी देंगे विष्णु भगवान का मंदिर के अंदर का व्यू। बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है गाइस, बहुत बड़ी लाइन है, देख सकते हो लाइन काफी लंबी है एंड मम्मी पापा उधर पूजा कर रहे हैं, एंड चलते हम विष्णु भगवान के अंदर और प्यार बहुत गर्म हो रहा है क्योंकि देख सकते हो सकते हैं यहाँ पे विष्णु मंदिर के नीचे कितना भीड़ लगा हुआ है, गेट पे निकासी द्वार पे इतना कष्ट होता है पब्लिक को आने जाने में क्योंकि छोटा रास्ता है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ लगे हुए। आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितने लोग अंदर में जा रहे हैं। आज छोटा सा गेट है यहाँ पे, देख सकते हैं सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत बढ़ाया गया है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होता, चोरी वगैरह कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं भी अभी अंदर से आया हूँ गाइस, मंदिर का निकलने का द्वार, निकासी द्वार मतलब जो बीच में जो मंदिर है जहाँ पे मूर्ति है जिनका रियल मूर्ति है इस मंदिर के नीचे, वहाँ से निकासी का रास्ता है और एंट्री का रास्ता उधर से है। यहाँ पे एक बात चीज कॉमन है, सारे मंदिर को काट काट के बनाया गया है, कोई भी यहाँ पे सीमेंट बालू से नहीं बना गया, पत्थर को ही काट के बनाया गया, चारों तरफ देख सकते हैं पत्थर का ही काटा हुआ है और पत्थर को ही डिजाइन करके मंदिर बनाया गया। ये है अभी मंदिर का पीछे का सीन, कुछ देख सकते हैं पीछे का रास्ता है यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी मंदिर है गाइस, ऊपर देखते हैं कौन से भगवान का मंदिर है गाइस। यहाँ पे रास्ता छोटा सा है, देख सकते हैं छोटा सा रास्ता है एंड सभी रास्ते गली के टाइप में हैं। इतना बड़ा मंदिर है यहाँ कि पता ही नहीं चल रहा है किधर किधर रास्ता है, बहुत सारे रास्ते यहाँ पे गली गली चारों बगल है, देख सकते हैं कितना बड़ा गली है। तो इधर देखते हैं क्या है, ओ इधर गाइस एक पोखर है, दिखाते हैं आपको, मंदिर के बीच में हम लोग को पता नहीं चला था पोखर है, चलिए देखते हैं पोखर में ये कौन सा पोखर है। और यहाँ पर भी पिंडदान हो रहे हैं, देख सकते हैं गाइस विष्णु मंदिर के पीछे एक पोखर है इतना बड़ा, हम लोगों को पता ही नहीं था, देख सकते हो इतना बड़ा पोखर है। नीचे उतर रहे हैं गाइस और सीढ़ी बहुत बड़ा बड़ा है, चलते हैं इधर से एंड फिर से घूम के जाते हैं आगे से जाएंगे फिर से विष्णुपद मंदिर और चारों तरफ घूम लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सभी जगह यहाँ पे पिंडदान किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ है। पोखर बहुत गंदा है गाइस, बहुत ज़्यादा ही गंदा है क्योंकि इतने लोग रहते हैं, सारे कुछ इसी में दान कर देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा है यहाँ पर। एंड चलते हैं सबसे लास्ट वाला गेट पर और उधर से चलते हैं विष्णु मंदिर के मेन गेट से फिर से अंदर मम्मी पापा के पास। चारों बगल रास्ता है, रास्ता उदास रास्ता। अरे भाई दर्शन कोई और सब हैं सब दिखा दी मैडम, मेन गेट का विष्णु मंदिर का सामने से किधर यहां से ठीक तो कैसे इधर से रास्ता है, छोटा छोटा गली है पता नहीं चल रहा, यही में घुसते हैं सर। विष्णु मंदिर का रास्ता इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा रास्ता विष्णु मंदिर, अगला गेट से मंदिर जाएगा, ये घाट जाएगा, घाट चले गलत गलत रास्ता में घुस रहे हैं गाइस, बहुत परेशानी आ रही है। घंटा है यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा घंटा, एंड यह विष्णु मंदिर है, देख सकते हैं विष्णु मंदिर का अंदर का सीन आपको दिखा रहे हैं, बाहर से क्योंकि अंदर फोन जाने नहीं देता है